सेक्स टाइम बढ़ाने के कुछ कारगर उपाय आज हम इस वीडियो में जानेंगे, साथ ही उस दवा का नाम भी जानेंगे जिससे कि सेक्स टाइम बढ़ाने में काफ़ी अच्छा असर होता है। तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिओम सोलंकी, जो कि इस टाइप के काफ़ी केसेस को देख चुके हैं, मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो होती हैं जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन है, ऐसी समस्याएँ काफ़ी पेशेंट्स से देख चुके हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस इस फील्ड में है। तो आज डॉक्टर साहब हमको बताएंगे कि किस तरीके से सेक्स टाइम को बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम लोगों की क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस आते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं इरेक्शन से रिलेटेड भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस जो होते हैं वो इस बात को लेके होते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा जो है स्खलन जल्दी हो जाता है, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो जाता है, मैं ज़्यादा देर तक सेक्स इंजॉय नहीं कर पाता, ज़्यादा देर तक पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मैक्सिमम इस टाइप के प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के केसेस होते हैं दे आर रिलेटेड टू आर नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम के साथ वो सीधे सीधे जुड़े हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे अगर शेयर करना चाहूँ तो कोई भी व्यक्ति जो दिन भर बहुत स्ट्रेस में रहा है, पूरा दिन उसका स्ट्रेस में बीता है, तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इट इज़ गारंटीड। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति का दिन पूरा अच्छे से बीता है, उसके दिमाग में कोई स्ट्रेस, कोई पेन, इस टाइप की कोई भी चीज़ नहीं रही है, तो वो बगैर किसी दवाई के भी उस दिन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो पहली चीज़ समझने की तो ये है कि वो सारी चीज़ें हमारे नर्वस सिस्टम से जुड़ी रहती हैं, और वैसे तो हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ब्रेन है, तो ब्रेन ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और हर चीज़ ब्रेन से जुड़ी रहती है। तो हमें इसके ट्रीटमेंट में मेडिसिंस का जिक्र मैं बाद में करूँगा, पहले मैं आपको एक जनरल व्यू बता देता हूँ कि आपको किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि आपको फिज़िकल एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहना चाहिए। फिज़िकल एक्सरसाइज से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, ब्रेन के लिए, अदर बॉडी पार्ट्स के लिए ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होता है, प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है, न्यूट्रिशन जाते हैं, तो सारे आपके बॉडी ऑर्गन्स ठीक से काम करते हैं। तो फिज़िकल एक्सरसाइज सबसे पहली ज़रूरत है जिसके ऊपर हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि हमारी डाइट जो है वो परफेक्ट न्यूट्रिशन के साथ असेंबल्ड हो, हमारे लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो न्यूट्रिशन हमें प्रॉपर तरीके से मिलता रहे। आजकल आप खुद ही देखते होंगे कि हमारा जो खाना पीना है वो बहुत पॉल्यूटेड हो चुका है, उसमें बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स आ चुके हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारा खाना जो है बैलेंस्ड हो, जिससे हमारी बॉडी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तीसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि डाइट के साथ साथ जैसे फिज़िकली आपको फ़िट रहना ज़रूरी है, ऐसे ही मेंटली फ़िट रहने के लिए भी आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारी आजकल की ही नहीं, हमेशा की लाइफ से जब से ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा रहेगा, इससे हम कभी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। बस हमें क्या करना है, स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटीज़ डेवलप करनी है अपने अंदर कि हम उस स्ट्रेस से कैसे जूझ सकते हैं। तो इस स्ट्रेस से जूझने में पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि आपकी स्लीप सफिशिएंट हो, आप स्लीप डिप्राइव्ड ना हो। आपके लिए जितनी, हर व्यक्ति के लिए एक फिक्स्ड फार्मूला नहीं होता है कि सबको 8 घंटे सोने की ज़रूरत है, आप इसको आसानी से पता लगा सकते हैं कि आप रात भर सोने के बाद सुबह आपका ईजिली उठने का मन करता है या नहीं करता है। ये एक बेस्ट इंडिकेटर है ये जानने के लिए कि आपकी बॉडी को सफिशेंट स्लीप मिली है या नहीं मिली है। तो आप अपनी स्लीप पूरी रखें, उसके बाद दिन भर की एक्टिविटीज़ के लिए अगर आपके पास कभी भी किसी भी समय थोड़ी सी भी फुर्सत हो, थोड़ा सा भी टाइम हो, कि हम ऑफिस में हों, घर पे हों, हमें थोड़ी देर, मैं इसको मेडिटेशन नाम ना देके मैं ये कहूँगा कि आपको साइलेंटली अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना है, आपको रिलैक्स फील करना है, और आपकी नर्व्स को भी ये फील होना चाहिए कि हमारी बॉडी रिलैक्स कर रही है। उसके लिए आपको शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे आपको गाने सुन लें जो आपके मन पसंदीदा फेवरेट सॉन्ग्स हों, जिससे आपको मन को अच्छा लगता हो, वो गाने सुन लें, क्लासिकल म्यूज़िक सुन लें, या फिर कुछ नहीं सुनना है तो चुपचाप शांति से बैठ जाएं। तो उतनी देर ही बस बैठना है जितनी देर में आपको लगे कि हाँ अब मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ।
ये तो हुए मैनेजमेंट के पार्ट कि ये आपको मैनेजमेंट का पार्ट करना है, और अब आते हैं हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन की पैथोलॉजी के ऊपर। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के मैक्सिमम केसेस मेडिकल लिटरेचर में भी ये लिखा हुआ है और हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखा है कि मैक्सिमम केसेस होते हैं नर्वस की वजह से ये फीलिंग कि हमारा जल्दी से हो जाता है, हम ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाते हैं। तो धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अपने मन पे कंट्रोल करना सीखेंगे, तो इसका बहुत बेनिफिशियल इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेगा और आपका स्वतः ही टाइम बेटर होना शुरू हो जाएगा। आप कभी भी बेड पे स्ट्रेस लेके न जाएं, और उस दिन तो बिल्कुल ही ना जाएं जिस दिन आप बहुत स्ट्रेसफुल हों। आपको पहले अपनी नर्व्स को काम करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आप किसी दूसरी चीज़ के बारे में सोचें। तो मैनेजमेंट का ये तो हुआ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि कई बार हमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ मैनेजमेंट से नहीं ठीक होते हैं केसेस। तो जो मोस्ट कॉमन दवाइयाँ स्पेशली होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूँ मैं तो हम लोग सबसे ज़्यादा पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो आप कॉम्बिनेशन फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंपली मदर टिंचर फॉर्म में लेना चाहते हैं तो दमियाना मदर टिंचर होता है जो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अच्छी कंपनी का लेंगे तो उसमें रिजल्ट्स बेटर होते हैं। और दूसरा होता है नूफल लूटियम। अब इस कॉम्बिनेशन को लेके कई सारी कंपनीज जो हैं अपने अपने ब्रांड से, अपने ब्रांड नेम से अलग अलग दवाइयां मार्केट में उतारती हैं। मैं उन ब्रांड नेम्स का नाम तो नहीं लूँगा, कंपनी भी मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर रहा। मैंने आपको दो मोस्ट कॉमन मेडिसिन बता दी हैं, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन खरीदें तो उसके अंदर ये देख लें कि इन दोनों का इंग्रेडिएंट है कि नहीं है। इसके अलावा भी कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि इन कॉम्बिनेशन के अंदर कंपनीज मिलाती हैं, वो कितनी एसेंशियल हैं ये मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये दो मेडिसिन्स तो बहुत ही एसेंशियल हैं, ये उस कॉम्बिनेशन में ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं ले रहे हैं तो इन दोनों को अलग मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। और इसका यूज़ करने का तरीका एज फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपकी अर्ली एज है तो आपको कम ड्रॉप्स में भी वो इफ़ेक्ट आ जाएगा, और अगर आपकी लेटर एज है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रॉप्स यूज़ करनी पड़ेंगी सेम इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो एक जनरल व्यू अगर मैं आपको देना चाहूँ, एक मदर टिंचर अगर आपने लिया दामियाना, दूसरा मदर टिंचर आपने लिया नूफल लूटियम, तो 15 से 20 बूंद अगर आपके पास दिन में 3 बार लेने का टाइम है, फुर्सत है, तो 3 बार लीजिए। अगर 3 बार लेने का टाइम या फुर्सत नहीं है तो आप दिन में 2 बार लीजिए सुबह शाम। जाड़े हैं तो थोड़े से गुनगुने पानी में लीजिए, गर्मियाँ हैं तो ऑर्डिनरी वाटर में लीजिए। आप दमियाना मदर टिंचर की 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाएं और उसको सुबह शाम कंज्यूम करें। दमियाना यूज़ करने के 15 मिनट के बाद आप दूसरे मदर टिंचर नूफल लूटियम को भी 15 बूंद आधे कप पानी में मिला के कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप दिन में 3 बार ले सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर दिन में 3 बार नहीं ले पा रहे हैं तो दिन में 2 बार लें, 2 बार से भी आपको इफ़ेक्ट फील होगा। और इस को कम से कम 1 महीने तक आप यूज़ करें, 1 महीने में यूजुअली और मैक्सिमम पेशेंट्स में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइप से आप अपनी प्रॉब्लम का घर बैठे ही निदान कर सकते हैं अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे और मेरे बताए हुए कुछ मैनेजमेंट के पॉइंट्स का भी ध्यान रखेंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगी और आप ठीक हो सकते हैं।